समझते हैं कैरिंग एंगल को। कैरिंग एंगल क्या होता है? देखो अगर ये किसी भी आदमी का ट्रंक है, क्या है ये, अगर ट्रंक है ठीक, तो यहाँ से इसके आर और यहाँ से इसके फोर आर ठीक। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ठीक, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। इसके बीच में जो एंगल, यानी आर में एक लाइन ड्रॉ किया हमने और एक फोर आर में एक लाइन ड्रॉ किया, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं कैरिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं? कैरिंग एंगल। इस कैरिंग एंगल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इस कैरिंग एंगल की नॉर्मल वैल्यू होती है 7 से 13 डिग्री। नॉर्मली जो फीमेल होता है उसमें कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है फीमेल में, और मेल में कैरिंग एंगल कम होता है। ओके, अगर यही कैरिंग एंगल 13 से भी ज़्यादा हो जाए, मोर देन 13 ठीक, या लेस देन 7 ओके, तो क्यूबिटस वेलगस, वेलगस में ये एंगल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्यूबिटस वैरम, वैरम में ये एंगल कम हो जाएगा ठीक। दैट्स ऑल अबाउट कैरिंग एंगल।